मजीद अब्दुल मजीद वानी साहब है, उसने भी अपने घर के लिए बनाया है और लोगों के लिए कुछ नहीं बनाया इन लोगों ने। ये चोर हैं ये लोग, जो भी हमारा इस डिस्ट्रिक्ट डोडा में जो मिनिस्टर। नमस्कार, पुकाटा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजना ठाकुर। तो आई नजर डालते हैं आज की खास समाचार पर। आज पुकार न्यूज ने तहसील भरत बगला के दलद्रमण का दौरा किया, जहां अलग अलग जगह से लोग आए हुए थे। पुकार न्यूज ने उनसे जानने की कोशिश की कि उन्हें दलद्रमण में आकर कैसा लगा, क्या चीजें उन्हें पसंद आई और किस चीज की उन्हें जरूरत है। लोगों का कहना है कि दलद्रमण बहुत ही अच्छी जगह है, इसे टूरिज्म स्पॉट का दर्जा दिया जाए ताकि लोग वहाँ आकर नाइट स्टे यानी अपनी रातें भी गुजार सकें। लोगों का यही कहना है कि उन्हें दलद्रमण में बहुत ही अच्छा वातावरण देखने को मिला, परंतु इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि दलद्रमण तक सड़क का प्रबंध किया जाए ताकि लोगों को वहां तक पहुंचने में ज़्यादा परेशानी ना हो। अधिक जानकारी के लिए देखिए दलद्रमण से हमारे संवाददाता विजय शर्मा की ये रिपोर्ट। आदाब, नमस्कार और सत श्री अकाल, आप देख रहे हैं पुकार न्यूज़, मैं विजय शर्मा। तो इस समय मैं मौजूद हूँ DD1 जिसे दलद्रमण कहते हैं, जो कि बढ़ता है। तो हमारे साथ कुछ जम्मू से आए हुए हैं, पिकनिक पे हैं यहाँ पे, उनसे हम बातचीत करते हैं कि वो जम्मू से यहाँ आए लगा यहाँ पे। जी सर, सबसे पहले स्वागत है आपका पुकार न्यूज़ में। आपका नाम? मेरा नाम इदरीस मजीद है, मैं जम्मू से हूँ। तो जी सर, कैसा लगा आपको यहाँ पे आके? यहाँ पे आके तो हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे नेचर बहुत अच्छा है और यहाँ का मौसम भी बहुत अच्छा है। क्योंकि जम्मू में तो आपको पता ही है इस टाइम बहुत गर्मी बढ़ रही है वहाँ पे, और यहाँ पे फ्रेंड्स थे वो उन्होंने बताया हमें कि यहाँ पे लोकेशन बहुत अच्छी है, यहाँ पे DD1 में यहाँ पे आओ विजिट करो यहाँ पे, तो इसलिए हम यहाँ पे आए हुए हैं। तो क्या क्या आपको क्या कमी लगी यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारी कमियाँ यहाँ पे हैं? बस यही है कि लोग नहीं है यहाँ पे, स्टे नहीं करते, लोग चले जाते हैं वहाँ पे, हम अकेले ही हैं, कल रात से हम अकेले थे यहाँ पे, बस यही है और कुछ नहीं। तो गाड़ी का भी मसला है, गाड़ी रोड अगर होती तो कितना अच्छा रहता। रोड तो हम तो यहाँ पे ट्रैकिंग करके नीचे से आए हैं, मतलब 3 किलोमीटर होगा शायद से, 3 किलोमीटर ऊपर आए हैं, तो गाड़ी हमारी नीचे ही लगी हुई है। तो रोड बनना चाहिए, हम यही बोलेंगे सरकार से कि रोड बन जाए, सबको आराम से लोग आएँ यहाँ पे विजिट करें, ये बहुत अच्छी जगह है यहाँ पे, तो इसलिए सब लोग यहाँ पे आए, यही सब कहेंगे। तो जो लोग अभी यहाँ पे नहीं आ रहे उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? बस यही कहेंगे उनको कि यहाँ पे आए, यहाँ के डोडा की खूबसूरती देखें कितनी अच्छी है यहाँ पे, यहाँ का विजिट करें, यहाँ पे लोग भी बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे मिलनसार हैं, मिलजुल के रहते हैं सारे लोग। तो हम सारे लोगों को यही कहेंगे यहाँ पे एक बार विजिट जरूर करें, जो है वहाँ पे बंद है, भद्रवाह भी बंद है, क्योंकि हम पहले भद्रवाह ही गए थे तो वहाँ पे उन्होंने जाने नहीं दिया हमें आगे, फिर हम डोडा यहाँ पे आ गए थे, हमें पता लगा यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस है, तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके हमें कि यहाँ पे लोग भी आएँ। तो ये भाई का जो है वो बहुत ही ज़रूरी है, तो उसके लिए आपका क्या रहेगा, जो ये यहाँ पे आवाम आती है उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? बस यही कहेंगे कि सरकार को यहाँ पे डस्टबिन लगाने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो आप कोई भी लोग खाते हैं यहाँ पे तो डस्टबिन में नहीं डालते, क्योंकि डस्टबिन होने चाहिए यहाँ पे, क्योंकि ये नेचर है, नेचर को हमने गंदा नहीं करना है, पोल्यूटेड नहीं करना है, नेचर को साफ रखना है, क्लीन रखना है, हमारी सेहत के लिए भी अच्छा है और यहाँ नेचर के लिए भी अच्छा है। बस यही कहेंगे यहाँ पे डस्टबिन वगैरह लग जाएँ, सारे लोग कोई भी यहाँ पे आता है वो कुछ भी खाता है यहाँ पे डस्टबिन में डालें, वो कोई भी चीज़ है डस्टबिन में डालें, बस यही कहेंगे यहाँ पे डस्टबिन। न्यूज़ में आपका नाम? जावेद अहमद। तो जी सर, आपको कैसा लगा यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आए हुए हमें तो, मगर बड़ी कमती है इधर गवर्नमेंट की तरफ से। एक तो इधर टूरिज्म होना चाहिए और रोड नहीं है, देखो इतने सारे लोग ऐसे ही पैदल चल के आते हैं, अगर रास्ता होता तो हम अच्छी तरह, इधर बहुत सारे लोग आ जाते, हमारे लोग जाते हैं बाहर, जैसे भद्रवाह गए, पटनी टॉप गए और कहीं गए, शिमला गए, तो शिमला से अच्छी सीनरी हमारे डोडा में है, हर कहीं से ज़्यादा बेस्ट हमारे डोडा में है, मगर हमको टूरिज्म मिलता ही नहीं, कहाँ जाएंगे हम? पूरा सारा ही ब्लॉक कर दिया हमें, हमारे MLA साहबों ने कुछ देखा ही नहीं डोडा के लिए, टोटल नहीं, अगर देखते वो आ जाते, सिर्फ वोट बैंकिंग के लिए वो आ जाते, उसके बाद वो नज़र देने नहीं आते। तो अब आखिरी आपकी क्या डिमांड रहेगी, क्योंकि आप देखते हैं कितना सुंदर नज़ारा है यहाँ पर, क्या डिमांड रहेगी आपके टूरिस्ट डिपार्टमेंट के लिए? टूरिज्म बनना चाहिए यहाँ और रोड यहाँ तक आनी चाहिए कि लोग यहाँ आराम से पहुँचने चाहिए, लोगों को बड़ी तकलीफ होती है यहाँ पहुँचते, आप देख सकते हो कि यहाँ कितनी भीड़ है, ये देखो आप अपने कैमरे में ला सकते हो, देखो कितने लोग इधर से आए हुए, यहाँ लड़कियाँ भी आई है, औरतें भी आए, बच्चे भी आए, बूढ़े भी आए, सब आए मगर पैदल चल के आए आपको यहाँ पे। सर यहाँ पर पहली रोड की कमी है, पहले हम लोगों ने जैसे डोडा को पहले बहुत रिपोर्टें किए हैं बगला से, वो टांटना जो टांटना पंचायत पड़ता है नीचे से, ये रोड भी इसको डिजारो करता है, तकरीबन 1-1 किलोमीटर टोटल दूरी है, ज़्यादा कुछ नहीं है, और इधर क्या बोलते हैं इधर आगे
कल्याण से तकरीबन 1 किलोमीटर टोटल है, ये तो रोड बन ही चुकी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई दरख्त भी नहीं है कि ये पहले सरकार ने बनाया है, जो ये जंगलात डिपार्टमेंट है इन्होंने बनाया है। अगर इस वक्त भी मोटरसाइकिल यहाँ से यहाँ डलडरमन के लिए आ रहे हैं और यहाँ पर इतनी भीड़ होती है कि यहाँ पर कोई रहने की कोई सूरत भी नहीं है। जिस वक्त बारिश आती है यहाँ पर, यहाँ लोगों को बहुत मुश्किलात हो जाता है, हर चीज़ से ये पीछे है डलडरमन, क्योंकि ये डलडरमन जो है ये टूरिस्ट काबिल है। जहाँ रगजीन जोरा आया था उस वक्त इधर हेलीकॉप्टर बैठा था, उस वक्त उसने बोला था कि हम 1 साल में यहाँ के लिए रोड भी दे देंगे और यहाँ पर क्वार्टर भी बनाएंगे और छावने बनाएंगे हर जगह पर लोगों को रहने के लिए। यहाँ पर कोई इंतज़ाम नहीं है। जो हमारा डिस्ट्रिक्ट डोडा है तो वो तो इसमें कोई हिस्सा नहीं लेता है, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है। इस वक्त यहाँ के कुठवा के लोग हैं इधर खड़े हैं, जम्मू के लोग हैं यहाँ पे, वो आए हैं सैर करने के लिए यहाँ के लिए। ये बहुत खूबसूरत जगह है और सीनरी यहाँ की बहुत अच्छी है। अगर कोरोना वायरस वाले को इधर छोड़ेंगे डलडरमन में, वो भी अच्छा हो जाएगा, कोई दवाई की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर तो ऑक्सीजन है, यहाँ पर तो खूबसूरती है, हर चीज़ है यहाँ पर, उस चीज़ की कोई कमी नहीं है। यहाँ के यहाँ से लोग इस वक्त डोडा सिटी में जाएंगे, सीटों को छोड़ दो, हम छोटी सीट की बात करेंगे, वो बदबू आ रहा है वहां के लिए डिस्ट्रिक्ट डोडा देख रहे हैं उन गलियों में कितनी गंद है। वो अगर इस यहां पर आएगा जो डीडी वन है, यहां बोलते हैं डीडी वन, तो यहां पर आएगा, यहां पर वो खुद देखेगा कि ये है टूरिज्म के लिए कि नहीं है, ये है जगह कि नहीं है, कि यहां पर ताजा हवा है, यहां पर ठीक ठाक आवाम चल रही है हर दिन के लिए। यहाँ पर तकरीबन हजार लोग चल रहे हैं इस डलडरमन में, तो जो जिस वक्त बारिश आ रही है यहाँ पे, यहाँ तो बहुत मुश्किलात हो रहे हैं, छोटे बच्चे होते हैं यहाँ पर। पहले यहाँ पर 4 क्वार्टर थे, वो क्वार्टर भी जला दिया था, वो पहले दौर में वो जला दिया था। उसके बाद रगजीन जोरा यहाँ पर आया था, उसने बोला था यहाँ के लिए 1 साल में रोड भी हो जाएगी और क्वार्टर भी हो जाएंगे, यहाँ पर हम हर चीज़ दे देंगे। जैसे आप जानते हैं यहाँ पर एक क्वार्टर भी बनाया गया, लेकिन इसकी तोड़फोड़ की जा रही, क्यों की जा रही है? आवाम को चाहिए था कि इसको केयर करे, और गवर्नमेंट ने बनाया है, इसकी केयर हमारी सर, तो ये तो हकीकत है, इसकी तोड़फोड़ किया है लोगों ने। बस ये क्वार्टर, इस क्वार्टर को होना चाहिए यहाँ पर सिक्योरिटी, यहाँ पर गार्ड होना चाहिए। अगर हम एक जंगल में कुछ चीज छोड़ देंगे, वो वहाँ पर कोई भी जा सकता है, छोटे बच्चों को पता नहीं है ये क्या चीज़ है, ये उसी पता होगा उसी आदमी को जिस आदमी को इसका कदर है, पर ये छोटे बच्चों को क्या पता है ये क्या चीज़ है। तो आखिर में आपकी डिमांड क्या रहेगी LG गवर्नर और DC डोडा से, आपकी डिमांड क्या रहेगी? हमारे को रोड होना चाहिए यहाँ पर, रोड और यहाँ पर छावनी होना चाहिए। जो हमारा जो बने हैं ये क्या इसको नरेगा, अगर नरेगा स्कीम में इस डलडरमन के लिए, हमें कोई गांव के लिए कोई जरूरत नहीं है, अगर इस डलडरमन के लिए छावनी बनेंगे साइडों में, क्योंकि वो हमारे हम लोगों के लिए बहुत अच्छा है। जिस वक्त बारिश होती है यहाँ पे, बारिश होती है उस वक्त उन छावनियों में लोग बैठ सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं पटियार भी यहाँ पर आया है, उसने बोला कि हम 1 साल में साल में उसने बोला था 3 महीने में यहाँ पर रोड चलाऊंगा, उसके बाद वो देखा ही नहीं आज तक, वो कहाँ का है, आया कहाँ से, जमा कहाँ, बैठा कहाँ, हमें कोई पता नहीं है। जो हमारा जो क्या बोलते हैं मजीद अब्दुल मजीद वानी साहब है, उसने भी अपने घर के लिए बनाया है और लोगों के लिए कुछ नहीं बनाया इन लोगों ने, ये चोर हैं ये लोग। जो भी हमारा इस डिस्ट्रिक्ट डोडा में जो मिनिस्टर भी बना है, आज तक हमारे हम लोगों के लिए कुछ नहीं दे।